चलिए शुक्रिया पुनीता जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और अपने व्यू शेयर किए, बातचीत की आपने, थैंक यू सो मच। लेकिन मार्केट्स को देखें, अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, 8600 के वापस ऊपर और 8623 के लेवल्स पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मिला जोशी हैं, सिद्धार्थ सदानी हैं और अनुज दीक्षित हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। लेकिन अनुज, पहला कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। सुबह जब हम बातचीत कर रहे थे इंडेक्स पर, तो जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई, किसी को उम्मीद थी नहीं कि आज 8600 का लेवल निफ्टी पार करेगा, और निफ्टी ने पार भी किया है और सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक्सपायरी वीक है, जो ट्रेडर्स इंडेक्स पर आज प्रॉफिट्स पर हों, उन्हें ये प्रॉफिट समेट लेना चाहिए या फिर अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन निफ्टी पर होल्ड रखें भी? देखिए, दो स्थिति बनती हैं कि इस वक्त जो पुरानी पोजीशन है उस पर प्रॉफिट लिया जाए, या फिर यहाँ पर एक ऐसा लेवल मिल सकता है स्टॉप लॉस के साथ जहाँ पर एक नया ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। हमारी जिस तरीके से लास्ट वीक भी बात हुई थी, तो हमने ये सोच रखा था कि तकरीबन 8620 8650 की रेंज तक कम से कम इस एक्सपायरी में एक बार बाजार को जाना चाहिए। अब ये उस रेंज में आ चुका है, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो ज़रूर से एक बार साइडवेज मूव बन सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी पास में है। लेकिन एक्सपायरी की वजह से दूसरी तरफ देखें तो वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अभी भी, क्योंकि 8580 8570 की जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए थे एज अ सपोर्ट या एज अ स्टॉप लॉस लेके, अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में इनिशियल टारगेट जो बनते हैं इस 8620 8630 के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद, वो तकरीबन 8680 से लेकर 8700 की रेंज बनती है। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी बिल की, और आई थिंक ये वास्तविकता होगी या नहीं होगी इसी बात का जायजा लेते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली क्या उठक पटक चल रही है, मुलाकातों का दौर जो है वो इस वक्त अगर आप देखें चरम सीमा पर है। एक बार इसका जायजा लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं इस वक्त। आलोक, क्या लग रहा है और कितना होमवर्क कर रही है सरकार इस बार पास कराने के लिए इसको? देखिए, इस वक्त जो सरकार का होमवर्क चल रहा है वो सभी जो रीजनल पार्टियां हैं और स्टेट्स में जो सरकारें हैं उससे लगातार सरकार का संपर्क है। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा नीतीश कुमार के, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है वित्त मंत्री अरुण जेटली की। उसके बाद जो कल जो वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में ही जीएसटी की स्टेट जो इम्पावर्ड कमेटी ऑफ ऑन जीएसटी जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की है उसकी बैठक होने वाली है, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दो फैसले वहाँ पर अटके पड़े हैं, एक तो ड्यूअल कंट्रोल ओवर स्मार्ट जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, सेंटर का होगा या स्टेट का होगा, इस पर भी चर्चा होगी। दूसरा जो मुद्दा है आरएनआर का, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो कि जीएसटी काउंसिल को तय करना है। तो कई सारे स्टेट्स को ये लगता है कि 18% जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने सजेस्ट किया है वो काफ़ी कम है, उससे और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इससे स्टेट को लॉस हो सकता है। दूसरा जो जो एक इंस्टीट्यूट है FIPB, उसने सजेस्ट किया था 26%, वो बहुत ज़्यादा है, उससे महंगाई बढ़ेगी। तो एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, एक ऐसा GST रेट पर आने की कोशिश की जाएगी कल की बैठक में जो कि सबको मान्य हो। हालांकि देखें तो इस बैठक के बाद सरकार प्लान कर रही है कि पार्लियामेंट में इस बिल को ले आए, क्योंकि इस हफ्ते इस जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसमें 5 घंटे एलोकेट हो चुके हैं, और एक बार यहां कंसल्टेशन हो जाए उसके बाद यहां का सरकार लाने की कोशिश करेगी। और कोशिश यही होगी कि यहां पर राज्यसभा में जो कांग्रेस से लगातार बातचीत चल रही है वो बातचीत कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव नहीं हो रही है, सरकार कोशिश करेगी कि उसके जरिए संसद में ये बिल को एक बार जोर आजमाइश की जाए। जी, चलिए शुक्रिया आलोक आपका। तो कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा और अहम बैठक कल जीएसटी बिल पर होनी भी है। और लॉजिस्टिक स्टॉक्स अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़त लेकर ही कामकाज कर रहे हैं अपने दिन के उच्चतम स्तरों पर। शर्मिला, आप एक कॉमेंट्स लेना चाहूंगी। इनफैक्ट सुबह वीरेंद्र ने जीएसटी बिल को लॉजिस्टिक बिल बोला था और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आप देखें जब जब जीएसटी बिल को लेकर कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है तब तब ये स्टॉक्स चलते हैं, और आज भी वही रिफ्लेक्शन बना हुआ है। ज्यादातर शेयर्स दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। आप कितना रिलेट करती हैं लॉजिस्टिक्स के साथ और इन स्तरों पर क्या कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है लॉजिस्टिक पॉकेट से? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जब कभी जीएसटी की बात आती है तो जो एक सेक्टर ज़रूर ऊपर जाता है वो हमेशा लॉजिस्टिक्स ही है, क्योंकि आई थिंक वेरी ऑनेस्टली इफ़ द रोल आउट हैपन्स अकॉर्डिंग टू प्लान तो काफ़ी सेक्टर्स को इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। लेकिन एक जो इमीडिएट सेक्टर सबके जैसे ध्यान में आता है दैट इज़ ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्ले। एंड आई थिंक इवन विदाउट जीएसटी अगर आप देखें कि किस तरह की अभी स्थिति है और किस तरह इन तरह के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ द फार्मा सेक्टर, वेदर इज़ द फूड सेक्टर, वेदर इट इज़ पेरिशेबल गुड सेक्टर, तो लॉजिस्टिक्स की एक बहुत अहम भूमिका होगी आगे चलकर, स्पेशली विद ई कॉमर्स डेवलपिंग द वे इट इज़।
So I think GST and possibly whenever we hear of any e-commerce sort of a deal, we do see a movement on logistics as a sector. Within the space, I do like a couple of stocks. I do have a buy on a Snowman Logistics. I do like Gateway, Gatti, stocks like that. सिद्धार्थ सिद्धानी भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस वक्त. और देखिए कल बहुत सारे नंबर्स भी आने हैं, उसमें भी कुछ देर में हम बात करेंगे. जैसे मारुति एक बड़ा नंबर है. और देखिए मैं मारुति के नंबर से पहले अगर आप देखें ज़रा इन सभी स्टॉक्स को देखना चाहूँगा. अशोक लेलैंड वो देखिए ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक. मारुति हार्डली अगर आप देखें डिफरेंशियल क्या है 350 रुपये का, यानी सिर्फ 8% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से. फिर आप देखिए टाटा मोटर्स बोथ अंडरलाइन एंड DVR शानदार तेज़ी यहाँ पे. M&M ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक, ऑलमोस्ट उसी ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है. बजाज ऑटो ने लास्ट वीक अपना ऑल टाइम हाई छुआ. हीरो मोटर का हल्का सा डिफरेंशियल रह गया और स्कोप बचा था अभी बहुत बड़ा एक TVS मोटर्स में ऑल टाइम हाई और CMP में. सिद्धार्थ ऑटो स्पेस में आप इस वक्त आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है, लार्ज कैप में मिड कैप में? नमस्कार. देखिए ऑटो स्पेस में हम मानते हैं कि मारुति बहुत अच्छे नंबर पोस्ट कर सकते हैं. हालांकि पिछले 2 महीने के जो सेल्स नंबर है वो थोड़े टेपिड ज़रूर आए हैं, पर तो भी हम मानते हैं कि यहाँ से थोड़े बेहतर ही हो सकते हैं नंबर्स. और जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट मिक्स और लॉन्चेस है यहाँ पे पेंडिंग भी मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स भी बहुत स्ट्रांग है. तो ओवरऑल स्पेस में मारुति पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, अगर सीवी स्पेस की बात करें तो हम मानते हैं अशोक लेलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से. हालांकि अशोक लेलैंड के भी 1-2 महीने से नंबर्स थोड़े सबड्यूड आने चालू हो गए हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरे सीवी स्पेस में थोड़ी सी धीमी गति ज़रूर हो गई है. बट अगर सीवी स्पेस की बात की जाए और जिस हिसाब से डिफेंस की प्ले है, अशोक लेलैंड बेहतर परफॉर्म कर सकता है जो सीवी स्पेस में. और टू व्हीलर स्पेस में हम अभी भी मानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर आप नतीजों की बात करें या वॉल्यूम्स की बात करें तो 50% वॉल्यूम्स इनके रूरल साइड से आते हैं. और जो पिछले 2 साल के ड्रॉट के कारण या सूखा के कारण जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, सेल्स नंबर्स कम हुए हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे ये साल में पूरा मेकअप हो सकता है, साथ ही साथ नंबर्स भी बेहतर है. तो हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और मारुति. इस बीच नेल्को को आप देखिए, नेल्को के अभी भी नंबर्स आए हैं और स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर आ चुका है. कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, यानी टर्न अराउंड हुआ है और 86 लाख का लॉस था कंपनी को बीते साल इसी तिमाही में और इस बार 1.6 यानी करीब करीब 1.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है. टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट देखिए और आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन, जो टर्न अराउंड हुआ है उसकी वजह से तेजी शेयर में देखी भी जा रही है और 6.5% ऊपर ट्रेड करा है. रिजल्ट इम्पैक्ट के तौर पर ही कुछ और स्टॉक्स आप देख लीजिए जहां पर सुबह से स्ट्रेंथ बनी हुई है. एक आप देखिए इक्विटास होल्डिंग को, अच्छे नंबर्स का असर, अभी भी स्टॉक दिन के उच्चतम स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है. और इनफैक्ट सनोफी इंडिया, थायरो केयर, बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं और स्टॉक्स ने अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई है. शर्मिला, इन स्टॉक्स पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? नेल्को, इक्विटास, थायरो केयर, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी आई है और स्टॉक्स ने परफॉर्म भी करने की कोशिश की है. बिल्कुल, विद इन द स्पेस मुझे इक्विटास काफी अच्छा लगता है. अगर आप देखेंगे कि काफ़ी जो NBFCs है उनके नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं दिस क्वार्टर. सो भारत फाइनेंशियल विच यूज टू बी SKS माइक्रो फाइनेंस, आई थिंक इक्विटास, सो यू नो दीज आर टू केस इन पॉइंट वुड बी दीज टू स्टॉक्स. काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं और अगर आप इनके नतीजे अगर बैंक्स से कंपेयर करें, हालांकि अभी तक हमने PSU बैंक से बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं सुने हैं, लेकिन एक जो दो सुने हैं यू नो सम ऑफ द सब्सिडियरीज एक्सेट्रा काफ़ी निराशा है NPAs वगैरह को लेकर. तो अगर आप देखेंगे NBFCs ने एक अच्छा रियली यू नो दैट कंसर्न फॉर NPA लेवल्स एक्सेट्रा इज फार लेस टू बी सीन इन द बुक्स ऑफ NBFCs. सो वेदर इट इज एन LIC हाउसिंग फाइनेंस, SKS माइक्रो, इक्विटास, यू नो आई थिंक ऑल्सो इक्विटास हैज द सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ओवर द अदर टू की इट्स अ न्यू लिस्टिंग एंड अ रिलेटिवली अंडर ओन्ड स्टॉक. तो आई थिंक आगे चलकर ये सब स्टॉक्स आई थिंक काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे. जहाँ इस बीच आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए 155 के स्तर पे ऑलमोस्ट ये हाई को शूट करता हुआ. और आई थिंक आज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और एक और नजर आ रही है एशियन पेंट्स में. आज इसने अपने ट्रेडिंग करियर का एक बार फिर से नया हाई छुआ. BOB, मारुति, SBI, मारुति अगर आप देखें 45 अपने ऑल टाइम हाई से हार्डली 350 पॉइंट दूर है. मैंने 3 स्टॉक्स का जिक्र किया, 3 स्पेस से मारुति, उसके बाद आप देखिए एक BHL को भी जोड़ लेता हूँ आई थिंक. क्यों? क्योंकि BHL आर्ली चार्ट्स पे एक बहुत स्ट्रांग मूव के लिए तैयार हो रहा है अबो 144. अनुज, 4 स्टॉक्स का नाम लिया मैंने, इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा नजर आ रहा है और स्पेशली BHL पर आपकी अप्रोच क्या होगी अबो 144?
देखिए, एक तरीके से देखें तो वीरेन जी, तकरीबन 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था वो तकरीबन 145-147 की रेंज थी, जो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह अभी तक एक्ट कर रही है। वही क्योंकि फॉलिंग मूविंग एवरेज है तो वो तकरीबन 145 के आसपास आ चुका है। वॉल्यूम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं काउंटर में, मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट का अभी काफ़ी सारे ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं। तो 145 के ऊपर के जो ब्रेकआउट आएंगे मेरे ख्याल से उसमें ज़रूर से एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा, जिसमें आप इनिशियली 153-154 के टारगेट कर सकते हैं। छोटी रेंज बनी थी, आपको 138 के नीचे के स्टॉप लॉसेज रखने पड़ेंगे भेल में। आपने एशियन पेंट्स की बात की, देखिए वीरेन जी, एक कुछ ऐसे स्टॉक या पोर्टफोलियो के शेयर होते हैं जिन्हें आप एक बार ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म में आप सही में उनमें एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखते हैं और वो हर बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे एशियन पेंट्स उसी तरीके का स्टॉक लगता है जो हर बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर किसी भी निवेशक के हिसाब से देखें तो टेक्निकली बहुत अच्छे ब्रेकआउट आए हुए हैं, उसमें ऑल टाइम हाईस के ऊपर उसमें भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एशियन पेंट अच्छा रहेगा, भेल में भी लेने की सलाह रहेगी, 138 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। जी, तो कैपिटल स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखी भी गई है, BHEL, एलस्ट्रॉम, TND और कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया भी है। और लेकिन अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की। अब आमतौर पर किसी भी जब बड़ी कंपनी का नाम सामने आता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम जहन में आता है, TCS का नाम जहन में आता है। और अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप इन बड़ी कंपनियों को खरीद सकते हैं या फिर किसी हस्ती को जानते हैं जो इन्हें खरीद सके, तो जिससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़े समय के लिए ब्लैंक जरूर हो जाएगा क्योंकि आंसर होगा नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है सुमित के पास कि एक ऐसी भी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी भी हस्ती है जो कि एक नहीं इन दोनों कंपनियों को खरीद सकती है। सुमित, काफी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है या फिर ऐसा कौन सी हस्ती है जो TCS को या फिर रिलायंस को अलग अलग नहीं बल्कि दोनों बिग विग्स को एक साथ भी खरीद सकती है। देखिए दीपाली, कभी भी किसी से सवाल पूछाएगा यही कहेगा भगवान ही जाने, ये बात सही है, भगवान ही जाने कि कौन खरीद सकता है इन्हें। पहली, क्योंकि जो आंकड़े हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो TCS देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है, करीब करीब 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, और रिलायंस दूसरे पायदान पर है, करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। लेकिन इन दोनों को एक साथ खरीदने की क्षमता अगर किसी में है तो वह तिरुपति बालाजी। महज गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अगर देखें तो 9 लाख करोड़ रुपए के ऊपर गोल्ड रिजर्व है, करीब 9.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास गोल्ड रिजर्व है। एक आंकलन है करीब 300 मिलियन टन का सोना उनके पास है, यानी कि अगर किलोग्राम के हिसाब से देखें करीब 3 लाख किलो सोना उनके पास है, इसकी वैल्यू करीब 9.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जो अपने आप में इन दोनों कंपनियों के मार्केट कैप से ऊपर है, यानी कि कभी भी उस गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल करके दोनों कंपनियाँ आसानी से खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा आप जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंकों को गोल्ड दिया गया है उसको भी देख लो, करीब करीब 13,500 करोड़ रुपए का जो सोना है, यानी कि 4,500 किलो के आसपास सोना उन्होंने PNB, SBI समेत कुछ और बैंक्स को दिया हुआ है मोनेटाइजेशन स्कीम में, जिसकी वैल्यू करीब करीब 13,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और इस सोने के ऊपर भी करीब 250 करोड़ रुपए का एक सालाना ब्याज आता है, यानी कोई भी छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनी तो इस खाली इंटरेस्ट से ही खरीदी जा सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ 9 लाख करोड़ रुपये की तिरुपति गोल्ड रिजर्व की वैल्यू, जो कि इक्विवेलेंट है TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंबाइंड मार्केट कैप की, यानी कि 8,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 9,10,000 करोड़ रुपए गोल्ड रिजर्व तिरुपति बालाजी के पास है। तो सही, अगर अब मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं तो आप कह सकते हैं कि तिरुपति जो है रिलायंस और TCS के स्वामी बन सकते हैं, इतना पैसा उनके पास है इस वक्त, 9 लाख करोड़। इंटरेस्टिंग फैक्ट। सुमित, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब देखिए, इस चीज की दो प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं आप। आई मीन, गोल्ड का बात की हमने, TCS की बात की हमने, हमने इसमें रिलायंस की बात भी की, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स पे आपकी राय लूंगा मैं शर्मिला। गोल्ड ऑलमोस्ट 32-33 की ट्रेजेक्ट्री में, जरा प्लीज अगर गोल्ड प्राइसेस भी दिखाएंगे एग्जैक्टली आप। अब इक्विटी इतना अच्छा कर रही है, US में आप देखिए रेट्स बढ़ने का जो साइकिल है शायद वो थोड़ा सा पीछे आ गया है बिकॉज ऑफ आई थिंक ब्रेग्जिट इशू, चाइना इशू, वहाँ पे जॉब डेटा काफ़ी अच्छा खासा है। सडनली जो परम्यूटेशन एंड इक्वेशन जो है और कॉम्बिनेशन जो हैं बदल गए हैं। अभी आप तीनों पे क्या करेंगे, आई मीन गोल्ड पे क्या करेंगी, TCS पोस्ट नंबर्स क्या करेंगी और रिलायंस पोस्ट नंबर्स क्या करना चाहेंगे आप? वेल, वेरी ऑनेस्टली आई डोंट रियली हैव अ व्यू ऑन गोल्ड बिकॉज आई एम रियली इक्विटी बिलीवर दैट वे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो सब इक्विटी में ही है। और वेरी ऑनेस्टली हिस्टोरिकली भी यही पाया गया है कि ऐसे साल रहते हैं जिसमें
गोल्ड एज अ कमोडिटी चलता है एंड देन इट सॉर्ट ऑफ गोज इनटू अ रेंज. और अगर आप देखेंगे कि ये बढ़त आई है, लेकिन आई थिंक ये बढ़त भी हमने अभी यू नो मे बी एक दो साल के बाद देखी है व्हेन गोल्ड हैज बीन इन दैट 27-28 रेंज. एंड अगेन आई थिंक फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव पीपल डोंट रियली बाय गोल्ड टू सेल, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट आई ट्रैक. TCS आई थिंक नॉट जस्ट TCS लेकिन पूरा IT पैक, जैसे कि हम सब जानते हैं नतीजे अच्छे नहीं आए हैं और कंसर्न्स दिखे हैं, लेकिन जिस तरह का करेक्शन आया है इन स्टॉक्स पर, आई थिंक गिवन दैट TCS के वैल्यूएशन अभी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो अगर आई थिंक अगर आपको लेना हो तो एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इट्स नॉट अ मोमेंटम सेक्टर, और जो फिलहाल इन्वेस्टर्स को सेक्टर्स पसंद है उनमें डेफिनेटली IT नहीं है, उसमें डेफिनेटली फार्मा नहीं है. तो अगर आप इस समय TCS लेते हैं, यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इट फॉर सम टाइम. And Reliance numbers were of course great, so I think that looks good to invest in.